हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू ड्रोन टॉक वंस अगेन। अब इसमें बहुत ही अच्छी एक खुशखबरी है ड्रोन लवर्स के लिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे ही अब नए मिनिस्टर आए हैं सिंधिया साहब, और उन्होंने कल ही एक रिलीज़ किया बहुत ही गुड न्यूज़। एक नया ड्राफ्ट आने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट लॉन्च हो गया, उसको फिर अप्रूवल मिल जाएगी। तो काफ़ी कुछ रिलैक्स कर दिया गया है गवर्नमेंट ने ड्रोन्स को प्रमोट करने के लिए। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अपकमिंग टेक्नोलॉजी है काफ़ी चीज़ों में, जो काफ़ी रिसोर्सेज भरे काम, जैसे हेलीकॉप्टर से कोई शॉट लेना है, कहीं वो लेना है, उसमें इतना खर्चा होता है, और उसकी जगह ड्रोन यूज़ किया जाए तो काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, जिससे आप काफ़ी बड़े बड़े टास्क काफ़ी सस्ते में कर सकते हैं। तो हुए नई पॉलिसीज को ड्राफ्ट किया गया है, जिसमें काफ़ी कुछ रिलैक्स कर दिया गया है। तो क्या क्या रिलैक्सेशन आई हैं और क्या क्या एक्सपेक्टेड है अभी, और क्या क्या स्टिल उसके अंदर अभी है, तो वो एक ड्राफ्ट आ गया है। अभी ये एक्चुअल नहीं है, बट इससे बेटरमेंट ही होगी, तो इट्स ए गुड न्यूज। तो पूरा वीडियो तक जरूर देखें क्या क्या रिलैक्स हो गया है। तो सबसे पहला क्या अबॉलिश किया गया, जो कि काफी ज्यादा चीजें थी, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिटेज, प्रोटोटाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फॉर्मेंस एंड ऑथराइजेशन ऑफ आरएनडी ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस, रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर ऑथराइजेशन, ड्रोन पोर्ट ऑथराइजेशन, जो इतनी सारी चीजें उन्होंने ठोक दी थी पिछली रेगुलेशन में, जो कि लॉ बना दिया था, वो सब अबॉलिश कर दी जाएंगी, मतलब खत्म कर दी जाएंगी और रिलैक्सेशन दी जाएगी। अब जो रूल्स आने वाले हैं, उसमें सबसे बड़ा जो रूल है उसमें ये किया गया है कि ज़्यादा कन्फ्यूजन को दूर करते हुए इजी कर दिया गया है कि पूरे इंडिया की जो एयर स्पेस है उसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, रेड, येलो एंड ग्रीन। और ये जो रेड, येलो, ग्रीन जोन्स हैं, इन जोन्स का भी जो ड्रोन फ्लायर्स हैं आप और हम जैसे, और या कैजुअल या इंडस्ट्रियल, उनको पता रहेगा कि कौन सी जोन रेड है, कौन सी येलो है, कौन सी ग्रीन है। तो इन जोन्स का मतलब क्या है, जैसे आपको पता लगेगा, रेड का मतलब है जहां पर बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां पर वर्ल्ड में भी वो हर जगह ये लागू होता है, जहां पर सेंसिटिव एरियाज होते हैं, मिलिट्री एरियाज होते हैं, वहां पर अलाउड नहीं होता, तो वहां पर अलाउड नहीं होगा। अब वो कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा है, कुछ कुछ जगह पर, हर जगह पर कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं, वहां पर आप अलाउड नहीं कर सकते। उसके बाद ग्रीन एरियाज हैं जहां पर आप बिंदास ड्रोन उड़ा सकते हैं, और उसके बाद येलो एरियाज हैं जहां पर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सारा अपडेट हो जाएगा कुछ ही दिनों में आगे, जब ये लॉन्च होंगे लॉज, और बने रहें चैनल के साथ, वो जब होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे पता लगेगा सारा कुछ। तो ये सबसे बड़ा रूल है, तो कन्फ्यूजन्स को अबॉलिश कर दिया गया है, सबसे बड़ा ये रूल लगा दिया गया है। इसके बाद सबसे बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए और आपके लिए, जो कि बेसिकली यहाँ के ऑडियंस हैं, वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, वेडिंग वीडियोग्राफर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो कि ड्रोन का यूज़ करते हैं, माइक्रो ड्रोन्स का यूज़ करते हैं, मतलब 2 किलो से नीचे और 250 ग्राम से ऊपर, जिसमें हमारे मैक्सिमम ड्रोन आ जाते हैं, उनके लिए नो नीड ऑफ लाइसेंस इफ दे आर नॉट यूजिंग देम इन फॉर द इंडस्ट्री पर्पस। मतलब अगर आप अपने वीडियोस के लिए ड्रोन शॉट यूज कर रहे हैं, आपको लाइसेंस नहीं चाहिए अगर आपके पास माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन है, चाहे वो डीजीए मैविक एयर है, मैविक एयर 2 है, प्रो है, मैविक प्रो 2 है, ये जितने भी मेन कैटेगरी के हमारे ड्रोन हैं, बेसिकली वो सभी माइक्रो कैटेगरी में आते हैं, और उसमें कोई इशू नहीं है। आप बिना, पहले जो रेगुलेशन बना दी गई थी जिसमें चाहिए था माइक्रो ड्रोन के लिए भी लाइसेंस, अब वो रिक्वायरमेंट अबॉलिश कर दी है सिंधिया साहब ने, और जल्द ये रूल जब एक्चुअल में आएगा, तो ये ड्राफ्ट बता रहा हूँ अभी मैं, तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस। ठीक है, आप चलते हैं आगे। गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो मैं ड्राफ्ट आपको बता रहा हूँ, जैसे आज नोटिफिकेशन न्यूज में आया चारों तरफ, विद इन 30 डेज और मैक्सिमम 40 to 45 days ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे ये सारे रूल्स आ जाएंगे, तब मैं एक, मतलब एक प्रॉपर कैटेगरी में आएंगे पूरे लॉज, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तो ऑलमोस्ट यही चीज़ होगी, क्योंकि ये ड्राफ्ट है, जो भी ड्राफ्ट रहता है उसमें काफ़ी कुछ सेम ही रहता है, थोड़ी बहुत एडिटिंग होती है, तो वो जो भी होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बता दूंगा। तो अब तक मैंने 2-3 मेन चीज़ें आपको बता दी हैं, अब आगे चलते हैं। अब ये एक और चीज़ बड़ी अच्छी करी गई है, जो पहले जो ड्रोन रूल्स थे जो कि लागू थे, जो कि अभी भी लागू हैं, मतलब इन रूल्स, नए रूल्स के लागू होने के बाद खत्म हो जाएगी 1 महीने के बाद, वो ये था कि आप 45 किलोमीटर की रेडियस में अगर आप एयरपोर्ट के रहते हैं, 45 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा होता है एरिया, तो चारों तरफ 45 किलोमीटर में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते थे, ठीक है, रेड जोन बना दिया था उसको। अब नए
रूल्स के ड्राफ्ट में ये जो घटा के कर दिया गया 12 किलोमीटर, मतलब जितने भी एयरपोर्ट्स के आसपास 12 किलोमीटर के रेडियस है वहां पर आपने ड्रोन नहीं उड़ाना। तो ये काफी अच्छी रिलैक्सेशन, क्योंकि पहले मेरा जो भी घर जो है एयरपोर्ट के काफी मतलब इतना डिस्टेंस बन जाता है, तो मैं भी टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था ड्रोन्स को, क्योंकि DJI भी कोलैबोरेट कर लेता है जो भी ये जनरल रेगुलेशन बनती हैं, तो वो मैप में मेरा नो फ्लाई जोन टेक ऑफ ही नहीं करता था मेरे घर से ड्रोन, मेरे पास आया माई वे की, तो वो जो प्रॉब्लम है अब वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, 12 किलोमीटर की कैटेगरी में वो पहुंच जाएगी। ठीक है, अब आते हैं आपको बेसिकली हाइट के हिसाब से, हाइट में क्या रिलैक्सेशन दी गई है मैं पढ़ता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। हाइट के लेके इन्होंने क्या किया, नो फ्लाइट परमिशन विल बी रिक्वायर्ड अप टू 400 फीट इन ग्रीन जोन, मतलब कि ये हमारे वेडिंग फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। 400 फीट काफी ओके टाइप मेरे हिसाब से हाइट है तो वेडिंग्स को कवर करने के लिए और ऊपर के शॉट्स लेने के लिए उसको अलाउ कर दिया गया है विदाउट एनी परमिशन। मतलब कि जैसे वो NPNT वाला चक्कर था वो रहेगा कि नहीं वो मैं आगे बताता हूँ, लेकिन वो जो था ना कि इतनी आपने हाइट में नहीं लेके जाना ड्रोन ग्रीन जोन में भी, तो वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है, उसको 400 फीट तक कर दिया गया कि 400 फीट तक अगर आप उड़ा रहे हैं, 400 फीट ऑलमोस्ट बनता है 120 मीटर, तो मतलब 120 मीटर तक अगर आप ड्रोन लेके जाते हैं अपना माइक्रो कैटेगरी का कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बात ध्यान रखें, अभी मैं ड्राफ्ट बता रहा हूँ, इसको ये मत समझे कि लागू हो गए, लागू होंगे 1 महीने के बाद, मैं बार बार ये डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ कि ये जितने भी पॉलिसी है ये नई पॉलिसी आ गई है, इसके ऊपर लॉ बनेगा, 1-2 महीने लगेंगे और फिर ये उसमें आएंगे, अभी पुराने रूल्स ही चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये कर दिया गया है कि 400 फीट यानी 120 मीटर तक आप ग्रीन जोन में जा सकते हैं अबव द ग्राउंड लेवल, और अप टू 200 फीट इन एरियाज 8 and 12 किलोमीटर फ्रॉम द एयर, अब ये येलो एरियाज होंगे, मतलब कि अगर आप वही जो एयरपोर्ट्स के आसपास रहते हैं 8-10 किलोमीटर के अबव, उसके बिल्कुल पास तो उड़ा नहीं सकते ना, जैसे मैं रहता हूँ, तो मुझे अप टू 200 फीट अगर मैंने ड्रोन उड़ाना है तो दैट आई कैन डू विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, तो ये भी एक रिलैक्सेशन है काफी अच्छा। अब आगे चलते हैं, बाकी रेड जोन में आपको पहले बता चाहूंगा, यहाँ पर आपको अलाउड नहीं होगा क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया है। अब ये कहा गया था इसमें इस डिस्कशन में और इस की काफी डिस्कशंस चल रही हैं पिछले 2-3 साल से, हम इस चैनल पे भी आपको बता चुके हैं, और काफी कॉम्प्लेक्स कर दिया गया था माहौल को, काफी ज्यादा हवा क्रिएट कर दिया गया था। अब क्योंकि काफी स्टार्टअप्स बैठे हैं रेडी एंड ड्रोन इंडस्ट्रीज को अपलिफ्ट करने के लिए, तो उन्हीं के लिए ये नए ड्राफ्ट जो कि इजी वन है वो लॉन्च कर दिया गया, ताकि स्टार्टअप्स को भी मौका मिले, ड्रोन इंडस्ट्री ग्रो हो, जो कि बीच में हो रही थी, बीच में एकदम ये रेगुलेशन लगने के बाद थोड़ा रेजिस्टेंस आ गया था, तो वो रेजिस्टेंस दूर हो और उनको प्रमोट किया जाए। तो ये सिंधिया साहब ने लॉन्च कर दिया है ड्राफ्ट, और जो कि बहुत ही बढ़िया मेरे हिसाब से बहुत ही गुड न्यूज है, एंड एक और लास्ट में आपको बताता हूँ, इन मेजर फ्लिप द ड्रोन इंडस्ट्री, इसमें क्या किया गया, सेवरल अप्रूवल्स अबॉलिश एंड प्रोसेस मेड इजियर। तो अगर मोटा मोटा बताऊं कि पहले काफी ज्यादा अप्रूवल्स थी, ड्रोन बिजनेस करना है, ड्रोन मैन्युफैक्चर करना है, तो मैंने इस पे वीडियो बनाया है, आपको पता है मैंने कितना 15-15 पॉइंट्स का आपके पास वो था कि ये करना है, फिर यहाँ से अप्रूवल लेनी है, फिर वहां से अप्रूवल लेना है। अब जो है मोटा मोटा उन्होंने मतलब बताया है सिंपल भाषा में, कि जहां पर पहले 25 फॉर्म्स लगते थे कोई एक चीज को करने के लिए, वही अब 25 से घटा के 5 फॉर्म कर दिए गए, मतलब कि बहुत ज्यादा रूल्स में जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको दूर कर दिया गया और बहुत रिलैक्स कर दिया गया माहौल, ताकि स्टार्टअप्स भी और जो ड्रोन बिजनेस करना चाहते हैं, मेरे ख्याल ड्रोन इंपोर्ट में भी कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन आएगी, बट इस ड्राफ्ट में अभी ड्रोन इंपोर्ट को लेके कोई डिस्कशन नहीं है, मे बी जब फाइनल रूल्स आउट होंगे उसमें ड्रोन इंपोर्ट का भी पता लगेगा। और जहां तक DJI की बात है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक जगह ये भी कहा गया है कि फॉरेन ड्रोन्स जो एग्जिस्टिंग ड्रोन्स हैं उनको भी डेफिनेटली लीगलाइजेशन मिलेगी, अप्रूवल मिलेगी, तो प्लीज डोंट सेल योर ड्रोन्स कि अब ये पंगा बढ़ गया है, ड्रोन किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव रूल्स आर कमिंग अप। तो जिसके पास ड्रोन अभी है DJI का ही है तो वो भी ऑलमोस्ट लीगल हो जाएगा, नो इश्यूज, ठीक है, आप उसे संभाल के रखें। तो ये थे ड्रोन, अब इसमें बेसिकली क्वेश्चन मार्क अभी जो रहता है
वो आने वाले जो फाइनल रेगुलेशन में क्लियर होगा वो ये है कि क्या आप और मैं ड्रोन इंपोर्ट कर सकते हैं बाहर से। नंबर दो, क्या DJI के ऑफिशियल स्टोर्स इंडिया में लॉन्च होंगे। नंबर थ्री, NPNT का क्या स्टेटस है, वो DJI पे कब अप्लीकेबल होगा, क्या DJI वो अपडेट हमें देगा। तो ये जो सवाल हैं ये अभी क्वेश्चन मार्क है, ये अभी ड्राफ्ट में डिस्कस नहीं हुए हैं, पर उम्मीद है जैसे बाकी चीज़ें जो थी वो रिलैक्स कर दी गई हैं तो डेफिनेटली ये वाले जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी। पर इसमें सबसे ज़्यादा जो रिलैक्सेशन मिली है माइक्रो ड्रोन्स को, जो लाइसेंस का ठप्पा पीछे लगा दिया था कि माइक्रो कैटेगरी वाले भी लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा, तो वो अब हट गया है, तो एक वो बहुत अच्छे पॉइंट है। बाकी ये जो ड्रोन और लास्ट में जो लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट पे हमने ट्रैवल करना है ड्रोन हमारा कॉन्फिस्केट हो जाएगा या हम बाहर से लेके आए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी मेरे पास क्वेरी आती है इसको लेके। तो ये भी डेफिनेटली जब फाइनल 2021 के रूल्स जो अब लेटेस्ट वाले लॉन्च होंगे तब वो क्लियर डेफिनेटली होगा। अब यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं और कमेंट ज़रूर करें, ओके लिख दें, फाइन लिख दें या कुछ भी आप लिख दें, अपना तरफ से लिख दें कि आप क्या चाहेंगे नई पॉलिसी में, नए रूल्स में, वो ज़रूर आप लिखें। इससे क्या होता है, एक तो आपके बारे में हमें पता लगेगा कि आपकी क्या थिंकिंग है, नंबर टू हमारे जो वीडियो को रीच ज़्यादा मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा लोगों के तक पहुँचेगा। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप सिर्फ देख के छोड़ देते हैं तो वो DJI मतलब अपना सॉरी YouTube उसको डंप कर देता है, तो मैं नहीं चाहता। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ड्रोन लवर्स के लिए, जो कि काफ़ी परेशान एक तरह से कहूँगा कि क्या हो गया अभी रेगुलेशन कैसे, जो मैंने पिछले वीडियो बताया था काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन थी, तो काफ़ी रिलैक्सेशन आने वाली है अब इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। अब तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें ताकि ये वीडियो बिग ऑडियंस तक पहुँच सके। इसके अलावा कोई भी आपको रूल्स में अभी समझ नहीं आया जो मैंने अब तक बता दिया है तो आप बेझिझक कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर Q&A या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो हम चलाते हैं यहाँ पे वहाँ पे मैं आंसर ज़रूर करूँगा। बाकी जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं अभी माइंड में हैं वो अभी भी क्वेश्चन मार्क हैं, तो वो भी जल्द हम क्लियर करेंगे जैसे ही फाइनल रूल्स निकलते हैं। होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, थैंक यू, कीप रॉकिंग।